झारखंड पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रतिबंधित संगठन भाकपा माओवादियों के दक्षिणी छोटा नागपुर जोनल कमेटी के कमांडर महाराज प्रमाणिक ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। प्रमाणिक काफी दिनों से झारखंड पुलिस के संपर्क में था। आईजी अभियान एवी होमकर, आईजी रांची पंकज कंबोज और डीआईजी एसटीएफ अनूप बिरथरे के सामने आधिकारिक रूप से महाराज प्रमाणिक ने AK-47, दो मैगजीन और दो वायरलेस सेट के साथ आत्मसमर्पण किया। वहीं अभियान आईजी एवी होमकर ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति में भटके हुए लोग इस धारा से जुड़ सकते हैं। जो सीपीएम माओवादी संगठन है, इसके जोनल कमांडर और खासकर बुंडू, चांडिल सब जोन और रांची, खूंटी, चाईबासा, सरायकेला का जो ट्राई जंक्शन एरिया है, जो माओवादियों का गढ़ माना जाता है, और विगत कई सालों से वहाँ एक बड़ा माओइस्ट प्रेजेंस है, वहाँ का जो सबसे महत्वपूर्ण माओवादी संगठन का जो कमांडर है, जोनल कमांडर, जिसपे झारखंड सरकार के द्वारा 10 लाख का इनाम घोषित किया गया था, महाराज प्रमाणिक, उसके द्वारा आज इस आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर झारखंड पुलिस, CRPF, SSB और जो सभी बल इसमें लगे हुए हैं इस कार्य में, उनके समक्ष आत्मसमर्पण किया है। साथ साथ इनके द्वारा जो वेपन AK-47 इनके द्वारा यूज़ किया जाता था, दो मैगजीन, 150 गोली और अन्य वायरलेस सेट इत्यादि के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। प्रियावादी के द्वारा ये बताया गया कि ये एक और जहां झारखंड पुलिस की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित हुए, जो प्रचार प्रसार पुलिस के द्वारा। भाकपा माओवादी संगठन में पतिराम मांझी को सेंट्रल कमेटी बनाकर सारंडा इलाके का प्रभार दिए जाने के बाद से ही माओवादी संगठन में आदिवासी नेताओं के बीच नाराजगी उत्पन्न हो गई थी, जिसके बाद महाराज ने संगठन का साथ छोड़ दिया था। पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसे सुरक्षा भी उपलब्ध कराई गई थी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष की रिपोर्ट।